बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नुमेरिकल हम कर रहे थे, बुक के हमने किए थे, ये असाइनमेंट के कुछ सवाल हैं। 2005 क्वेश्चन है, एस्टीमेट द रिलेटिविस्टिक मास एंड वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 0.9 c। कल भी हमने एक सवाल किया था इलेक्ट्रॉन का ही ना, उसका मास निकालें जबकि वे 0.9 c से दिया मूव कराइए। रेस्ट मास हमें दिया नहीं है उसने, रेस्ट मास क्वेश्चन में गिवन, तो अगर नहीं गिवन है तो आप इसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक कर लेना फिर। लेकिन अगर वैल्यू याद है तो वैल्यू लिख के पुट कर देना, और वेवलेंथ भी निकालनी है। ये वेवलेंथ आगे आएगी डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब मुझे पता नहीं रिड्यूस सिलेबस में है निकल गया है, लेकिन बहरहाल न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। कल ये हमने फार्मूला पढ़ा था, वही फार्मूला लगा दिया, एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी की वैल्यू पुट की 0.9 c, स्क्वायर लेना है तो 0.9 का स्क्वायर 0.81, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 1 में से 0.81 माइनस किया 0.19 बच गया, इसका अंडर रूट लिया 0.43, और 1 अपॉन 0.43 क्या हो गया 2.3 एम नॉट। एग्ज़ाम में अगर आपको सवाल दिया जाए रेस्ट मास ना दिया गया हो तो हम यहाँ तक करके छोड़ देना, सही है। रेस्ट मास अगर गिवन है तो पुट कर दें और वैल्यू निकाल लें। अब ये डी ब्रोगली ने एक हाइपोथीसिस दिया था कि मैटर पार्टिकल्स की भी वेवलेंथ होती है, बहरहाल ये फॉर्मूला है किसी मैटर का किसी मास से वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा बराबर है एच अपॉन एम वी, एच प्लांक कॉन्स्टेंट है, ये उसकी वैल्यू है, एम की ये वैल्यू निकाली हमने, वी वी में मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी 3 × 8, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया 2.7, तो ये वैल्यू रख दी स्पीड की, सॉल्व किया कैलकुलेटर से आंसर आ गया 1.18 × 12। ठीक है, अगला सवाल है 2008 का, कैलकुलेट द स्पीड एट विच द मास ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास। वो स्पीड निकालें जिस पर किसी का मास रेस्ट मास का डबल, तो रेस्ट मास के डबल से क्या बढ़ा दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो स्टार्ट हमने वहीं से लिया जो गिवेन है कि मास जो है वो रेस्ट मास का डबल हो जाए, और मास का फॉर्मूला लगा दिया, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, यहाँ 1 बच गया या 2 बच गया। अब मुझे ये चाहिए v चाहिए, तो v को मैं राइट साइड पे ले आया और 2 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, तो ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। अब ये अंडर रूट के अंदर है, v स्क्वायर ले लिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो बाकी ये बच गया 1 - v² / 2। अब अगेन मुझे v निकालना है, v को पॉजिटिव में होना चाहिए, मैंने साइड चेंज कर ली, इसको लेफ्ट पे ले आए ये प्लस में हो गया, इसको राइट पे ले आए ये माइनस में हो गया। अब आप इसको कैलकुलेटर से कर लें, 1/4 होगा, ये इस तरह कर लें, 4 LCM आ गया, 4 × 1 = 4, और यहाँ 1 आ जाएगा, 4 - 1 3/4, स्क्वायर को ख़त्म करना है, अंडर रूट ले लिया, √3 तो √3 रहेगा, 4 का √2 हो गया, सी स्क्वायर का सी हो गया, तो √3/2 c। अगेन आप यहाँ तक करके छोड़ दें तो भी ठीक है, देखिए यहाँ भी इसने हमें वैल्यू क्या दी है 0.9 c। स्पीड जब निकालते तो c का मल्टीपल निकाल लेते, आप वैल्यू पुट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको उतार लें, कोई सवाल कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें। ये प्रॉब्लम नंबर 3 एग्ज़ाम में आई हुई है 2012। गिवन एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम नॉट सी स्क्वायर कह रहा है इसके बराबर है, एम नॉट सी स्क्वायर क्या होता है ई नॉट, इसको हम ई नॉट कह सकते हैं, कल पढ़ा था ना, ई बराबर है एम सी स्क्वायर, ई नॉट बराबर है एम नॉट सी स्क्वायर। फाइंड द टोटल एनर्जी ई एंड काइनेटिक एनर्जी के ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 0.85 c। ठीक है, अब देखिए ये इतना
आसान सा सवाल है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, एम की जगह एम का फॉर्मूला एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर अपनी जगह पे, तो एम नॉट सी स्क्वायर क्या हो गया ई नॉट, और नीचे हमने वी की वैल्यू पुट कर दी 0.85 का स्क्वायर ले लिया 0.7225 सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 0.7225 ये आ गया 0.2775 इसका अंडर रूट लिया 0.526 1 अपॉन 0.526 1.89 ई नॉट की वैल्यू गिवन है पुट कर दी मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा के निकालें, के हमेशा ऐसे निकलेगा, देखें कल याद है एंड में यही पढ़ा था हमने, ई बराबर होगा ई नॉट प्लस के, तो के क्या हो गया ई नॉट, यहाँ पे आ गया क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सही हमेशा के ऐसे निकलेगा हमेशा। अब ई नॉट हो गया 0.511, ई ये रहा इसमें से इसको माइनस कर दिया 0.459 आ गया 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास एम नॉट है, उसकी स्पीड 0.83 है, उसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालें, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें और उसकी टोटल एनर्जी निकालें। तो मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, अगेन मास का फॉर्मूला लगा दिया, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की वैल्यू लगा दी 0.8c, तो ऊपर वाला फैक्टर तो हो गया 0.8m0c, नीचे v की वैल्यू पुट की 0.8 का स्क्वायर 0.64 c स्क्वायर कैंसिल, 1 में से 0.64 माइनस किया 0.36 इसका अंडर रूट 0.6 0.8 अपॉन 0.6 ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के बाद एक डिजिट है, तो ये 8/6 बच जाएगा, 8/6 दोनों को 2 से डिवाइड किया तो 4/3 आप पॉइंट में कर लें, बुक में ने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा भी था आप के नहीं निकालेंगे, आप के निकालेंगे ई की मदद से, तो पहले हम ई निकालते हैं थर्ड पार्ट जो ई वही एम सी स्क्वायर, तो एम की जगह एम नॉट, ये फैक्टर हम सॉल्व कर चुके, इस फैक्टर का आंसर क्या आ रहा है 0.6, तो दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी चीज़ का आंसर क्या आ रहा है भाई, यही है ना आंसर क्या आ रहा है 0.6, तो 0.6 लिख दिया, और अगेन पॉइंट क्या है कि एक डिजिट है, तो क्या करोगे आप ऊपर 1 लगाओगे, 1 के साथ एक ज़ीरो लगा दोगे, दो डिजिट होते तो 2 ज़ीरो लगाते, ठीक है, तो ये 10/6.6 बनता है ना, 6/10 बेसिकली, बहरहाल 6 नीचे अभी, तो 10/6 एम नॉट सी हो गया, और दोनों को 2 से डिवाइड किया तो 5/3, आप 1/0.6 लेके पॉइंट में लिख सकते हैं आंसर, लेकिन ये बुक वाले ने इस तरह आंसर दिए मैं इसलिए मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, और एम नॉट सी, अच्छा एम नॉट सी ई नॉट तो नहीं होगा यार, ये मैंने गलत लिख दिया सॉरी, नहीं सी सही है ना यार, सी स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, स्क्वायर लगाना मैं भूल गया भाई, ठीक है, अब के निकालना है ई माइनस ई नॉट, ई है 5/3 ई नॉट माइनस ई नॉट, एलसीएम लिया 3 तो ये तो 5 ई नॉट ही आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 ई नॉट हो गया, 5 में से 3 गया 2/3, और ई नॉट को अगर पुट करना चाहो तो एम नॉट सी स्क्वायर भाई, ठीक है समझ आ रहा है, मैथ है सिंपल मैथ है, कर देंगे मैथ आती हो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा प्रॉब्लम 6, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी निकालें वी मोमेंटम निकालें पी, हुज रेस्ट मास इज एम नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एम नॉट है और काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है ई नॉट, सही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास हमारा क्या है ई नॉट, पेन कहाँ रख दिए, तो ई का जो हमारा फॉर्मूला है के प्लस ई नॉट, K
के वो कह रहे ई नॉट के बराबर है, के किया क्या किया ई नॉट, ई बजाते खुद क्या है एम सी स्क्वायर, ई नॉट प्लस ई नॉट टू ई नॉट, एम की जगह एम नॉट अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये एम नॉट सी स्क्वायर भी क्या हो गया ई नॉट, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, अब यहाँ वन बच गया और अपॉन में वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ टू बच गया, टू को इधर ले आए इसको इधर ले गए, ये 2008 की प्रॉब्लम में भी यही आया था, सही है, आया था कि नहीं आया था कि m बराबर है 2m नॉट, m बराबर है यही चीज़ थी यार, 2 से m से m नॉट कैंसिल हो गया था। तो बहरहाल वहाँ हमने स्पीड निकाली थी अंडर रूट 3/2 c, बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा, वैल्यूज़ भी चेंज नहीं है। p निकालना है, p बराबर है mv, अगेन m का फॉर्मूला लगा एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अभी वी की वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ये वी है इसका स्क्वायर, तो थ्री का अंडर रूट थ्री का स्क्वायर 3, टू का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, वन माइनस 3 अपॉन 4, 4 एलसीएम आ गया, 4 वन ज़ार 4, 4 माइनस 3 1 अपॉन 4, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। अब एम नॉट और v की वैल्यू रख दी अंडर रूट 3/2 c, ये डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो वही क्या बची अंडर रूट 3 एम नॉट और c। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 2019 में, फर्क ये कि वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो यहीं से स्टार्ट लेंगे, मैंने लिख दिया ई नॉट क्या हो जाएगा 2e नॉट, तो आगे वही आंसर क्या आ जाएगा 3e नॉट, बाकी पूरा ऐसे ही सॉल्व होगा। तो जल्दी से ज़रा इसको खुद करो जब तक मैं अगला बोर्ड पे लिख दूँ, मिटा दूँ ये लेफ्ट साइड। प्रॉब्लम नंबर 4 बुक की, माशाल्लाह, द टोटल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 इज 3 टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी, टोटल एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट एनर्जी, जबकि मास ये है, ठीक है। फाइंड नंबर ए प्रोटॉन्स रेस्ट मास एनर्जी, नंबर बी स्पीड ऑफ प्रोटॉन, नंबर सी काइनेटिक एनर्जी के ऑफ प्रोटॉन। तो ई नॉट हमने निकालना है, एम नॉट उसने दिया हुआ है, ई नॉट बराबर है एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज से डिवाइड हो जाता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ठीक है ना, ये चैप्टर 12 या 13 में पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, इस तरह याद रख लो ना, जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो आप 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, क्योंकि उसने कहा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। अब यह आ गया 939 एक्सपोनेंट 6, एक्सपोनेंट 6 क्या होता है मेगा, तो हो गया 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अगर सेकेंड पार्ट देखो ये यही बन गया, ई बराबर है 3e नॉट, ये भी ई है ना, ई बराबर है 3e नॉट, तो जैसे वो होगा वैसे ही ये होगा, अगर वो आपने कर लिया तो ये भी, और के क्या होगा ई माइनस ई नॉट, के क्या होगा ई माइनस भाई ई, ई क्या होगा 3e नॉट। ये थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है ना यार, सी के क्या है ई माइनस ई नॉट, ई क्या है 3e नॉट माइनस ई नॉट क्या हो गया 2e नॉट, ई नॉट क्या है ये वैल्यू, सही है। मसला रह गया बी का, बी यही है जो ये करेंगे आप, ठीक है। अब ये बुक में एक एग्जांपल है 4, ये उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ जाएगी, अगर नहीं आई तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बस एक ये रह गई है, टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है अभी हैं, एग्जाम्पल 17 पॉइंट एग्जाम्पल बुक में
ठीक है, ये ज़रा देख लेना, नहीं समझ में आया तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। अभी एक चीज़ बस समझ लें, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ट्विन पैराडॉक्स का। हमने कहा था जो टाइम डायलेशन है वो क्या है, कि जो मूविंग क्लॉक है, जो मूविंग क्लॉक है, मेरे हिसाब से जितनी भी चीज़ें मूव करेंगी, मेरी क्लॉक तेज़ चलेगी, उनकी क्लॉक स्लो चलेगी। द फास्टर यू मूव थ्रू स्पेस द स्लोअर यू मूव थ्रू टाइम, ये आइंस्टाइन का फिक्रा था। जितनी तेज़ी से आप स्पेस में जाएंगे, उतनी स्लोली से आप टाइम में जाएंगे। तो मैं रेस्ट पे हूँ, मेरे हिसाब से एक बंदा मूव कर रहा है बहुत तेज स्पीड से, तो उसकी क्लॉक स्लो चलेगी, मेरी क्लॉक तेज चलेगी। ठीक है, मेरे लिए टाइम क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। मेरे लिए टाइम क्या हो जाएगा, मेरे पास टाइम ज़्यादा गुजरेगा, उसके पास टाइम कम गुजरेगा। लेकिन मोशन रिलेटिव है। अगर मैं और वो बंदा जो मूव कर रहे हैं स्पेस में, आस पास दूर दूर तक और कोई नहीं है, तो वो अगर मेरे करीब से आ रहा है, गुजर रहा है, या चले मैं ज़मीन पर हूँ, ये एग्जांपल ले लें, मैं ज़मीन पर हूँ और वो मुझे लग रहा है घूम रहा है, तो मेरे हिसाब से वो मूव कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से वो तो अपने स्पेसशिप के साथ साथ जा रहा है, तो वो तो स्पेसशिप के अंदर ही है। उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, स्पेसशिप। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ज़मीन। शुरू में फर्ज करें वो और मैं दोनों ज़मीन पे थे, अब वो ज़मीन से स्पेसशिप में बैठ के चला गया, अब वो मेरे हिसाब से मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, मेरे हिसाब से कोई ना कोई वेलोसिटी है, और मेरी अपनी वेलोसिटी ज़मीन के हिसाब से क्या है, ज़ीरो है। तो उसकी क्लॉक क्या हो रही है, स्लो चल रही है मेरी क्लॉक, तो मेरे हिसाब से मेरा टाइम ज़्यादा है, उसका टाइम स्लो है, लेकिन उसके हिसाब से क्या हो रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से उसकी क्लॉक क्या होनी चाहिए, तेज़ चलनी चाहिए, मेरी क्लॉक क्या चलनी चाहिए, स्लो। अब कौन ठीक है, तो ट्विन पैराडॉक्स ये है कि दो ट्विन्स ले लें आप, दो जुड़वा, दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक को ज़मीन पे छोड़ दें, दूसरे को स्पेसशिप में बिठा दें, और स्पीड बहुत ज़्यादा कर दें, 0.9C कर दें, 0.999C कर दें, तो क्या होगा, होना ये चाहिए कि एक की उम्र बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एक की उम्र, तो मेरे हिसाब से मैं रेस्ट पे हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो रेस्ट पे, उसकी उम्र, तो किसकी उम्र ज़्यादा होगी, क्यों, अबे तो उसके हिसाब से तो उसका होगा ना यार।